हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली डेटा को हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यदि कोई पार्टी का स्टेटमेंट अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और किसी पार्टी को अगर हमें सेंड करना है कि किस तरह से करेंगे, तो ये आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम अगर यदि कोई पार्टी का स्टेटमेंट अगर हम करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, तो उसे हम पीडीएफ में और जेपीजी फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में हम किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि हम किसी पार्टी का स्टेटमेंट देना चाहते हैं और उसको हम पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारा गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में जाएंगे। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद हम जाएंगे लेज़र में, और जिस पार्टी का भी हम यहाँ पर लेज़र देना है उस पार्टी का लेजर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। अब हम यहाँ पर एक पार्टी ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारी पंकज राठौर नाम की एक पार्टी है। उस पार्टी का स्टेटमेंट हमें यहाँ पर उसे सेंड करना है, और इसको हमें सेंड करना है एक पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो हम इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में किस तरह से मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो ये सारा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लेजर सेलेक्ट कर लिया है, और हम जिस पीरियड का भी हमें स्टेटमेंट यहाँ देना है उस पीरियड को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और पीरियड को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने उसके दौरान जितने भी एंट्रीज होंगी, हमारा पूरा लेन देन जो होगा हिसाब किताब, वो हमारा सारा यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली ऑल्ट ई प्रेस करते हैं, या फिर हम यहाँ पर माउस की से, जैसे आप टॉप में देख रहे हैं, टॉप में हमारे पास प्रिंट के साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसमें हम यहाँ पर स्केप की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लैंग्वेज में जाते हैं, और उसके बाद फॉर्मेट में, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहे हैं इतने सारे, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को पीडीएफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। पीडीएफ ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट लोकेशन हमारी आती है, जहाँ पर हमारा जिस पाथ में हमारा डेटा सेव होगा, जो फाइल सेव होगी वो आएगी। उसके बाद हमारे यहाँ पर आउटपुट फाइल नेम, मतलब यदि हम फाइल का कुछ नाम चेंज करना चाहते हैं या पार्टी का लेजर का नेम रखना चाहते हैं, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर देते हैं, तो आपका फाइल का नेम वहाँ जब भी एक्सपोर्ट होगा तो उस लोकेशन में जाके वहाँ पर वो उस नाम से सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि इसे किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम फाइल का नेम जो है, यहाँ पर हमने पंकज राठौर का यहाँ पर हमने लेजर एक्सपोर्ट किया है, तो हम यहाँ पर जो हमारी आउटपुट फाइल का नेम है उसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे पंकज राठौर। और पंकज राठौर टाइप करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली एंटर की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पेज का साइज रखेंगे A4 साइज रखेंगे, और पेज का जो हमारा सेटअप है वो है पोर्ट्रेट ही रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिलेक्ट वाउचर टाइप और बाय डिफॉल्ट जो है उसे हम वही रहने देते हैं। उसके बाद यदि आप इसमें नरेशन चाहते हैं तो नरेशन भी हम यस कर देते हैं। उसके बाद यदि आप कुछ और भी कुछ जिसमें चाहते हैं तो वो भी आप यस कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंपली एंटर करके इसे सेव करा देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को एंटर की प्रेस करने के बाद एंटर करते हैं, तो हमारे सामने ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी प्रोसेस में 2 या 3 सेकंड का टाइम लेता है और हमारा ये एक्सपोर्ट हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा समय लिया इसने, और हम यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं और हमारा ये डेटा जो सामने निकल कर आ जाता है। अब आप देखेंगे कि हमारे सामने स्क्रीन पर पंकज राठौर का स्टेटमेंट जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आ चुका है। आप उसका देख सकते हैं कि इसमें क्लियरिटी कितनी अच्छी आ रही है, और इसको हम फाइल को या तो ईमेल के माध्यम से पार्टी को सेंड कर सकते हैं, या फिर हम इसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। आप जो भी माध्यम हो उसके माध्यम से आप यहाँ पर इसे सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पर टैली से
किसी भी पार्टी का स्टेटमेंट बहुत इजी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसे पार्टी को सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल था। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। मैं इस तरह के कंटेंट बनाता रहता हूँ। और यदि आप टेली प्राइम में या टेली ERP 9 में कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आप जो वीडियो चाहते हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस वीडियो को हम बनाकर आप तक पहुँचा सकें। इसलिए हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका जो कंटेंट, आप जो वीडियो चाहते हैं, वो आपको इजी तरीके से मिल सके। लीडर को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपली ऑल्ट ई पर क्लिक करते हैं या फिर माउस की से टॉप में एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने PDF का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पर हम इसे एक्सेल स्प्रेडशीट में सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट फाइल का नेम, अगर यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फाइल का नेम दे सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर फाइल का नेम जो है पंकज राठौर का, जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर पंकज राठौर का मतलब नाम टाइप कर दिया आउटपुट फाइल नेम में, और इसका जो साइज है A4 साइज ले लिया और सिंपली इसे एंटर करके सेव करा दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा जो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये थोड़ा सा समय लेता है एक्सपोर्ट होने में, और हमारे सामने ये फाइल जो है एक्सपोर्ट होके आ जाती है। और बहुत इजी है ये करना, बहुत आसान है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो एक्सेल का फॉर्मेट है, ये फाइल हमारे ओपन हो चुकी है। अब देखिए हमारे सामने दिखा रहा है, ये हमारी कंपनी है, कंपनी का नेम दिखा रहा है, और जिस पार्टी का हमने स्टेटमेंट डाउनलोड किया है उस पार्टी का स्टेटमेंट हमारे यहाँ सामने शो कर रहा है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस हमारा यहाँ सामने शो कर रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक्सेल का फॉर्मेट में डेटा एक्सपोर्ट हो जाता है टैली से। और उसके बाद हम यहाँ पर इस फाइल को या तो पार्टी को मेल कर सकते हैं या तो फिर हम किसी पार्टी को व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसे सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सीखा कि यदि हम टैली में किसी पार्टी का स्टेटमेंट या कोई भी सेल का लेज़र या परचेज का लेज़र एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हमने सीखा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप टेली प्राइम में, टेली ERP 9 में कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना देंगे, जिससे आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके, और आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो का, जो भी आप वीडियो चाहते हैं, उस वीडियो का लाभ इसमें ले सकें। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।